व्हाइट एम। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेड एम और व्हाइट एम के बारे में। बहुत से बंदों को कंफ्यूजन होता है कि बंदों को रेड एम बेटर है या फिर व्हाइट एम। तो अगर तुम लोगों का हेडशॉट मारने के बारे में सब कुछ जानना है तो मेरे चैनल को लाइक कर दो, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो। अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा मतलब है चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। देखो मैं चैनल पे जो है एकदम हेडशॉट के नए नए ट्रिक्स एंड टॉपिक लाते रहता हूँ। तो अगर तुम लोगों को नए नए टॉपिक पर वीडियो देखना है कि तुम्हें किस तरह से प्रो बंदा बनना है, तुम्हें एकदम लेजेंड की तरह किस तरह से हेडशॉट मारना है, स्टेट ड्रैग, रोटेशन ड्रैग, हर टॉपिक पे मैं वीडियो लाता हूँ। सो तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। अब चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बताता हूँ, मैं इसमें सिर्फ शॉर्ट रेंज की गन के बारे में बात करूंगा, ठीक है। SMG और ARM गन के बारे में बात नहीं करूंगा। अगर तुम्हें उस गन पर अगर चाहिए एक वीडियो तो मैं तुम लोग मुझे कमेंट कर देना, मैं उस गन पर भी एक वीडियो ला दूंगा कि तुम्हें एम जो है रेड एम कहाँ रखना है, रेड एम और व्हाइट एम और कौन सा बेटर है। तो चलो यार मैं तुम्हें शॉर्ट गन के बारे में बताता हूँ, ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन भाई देखो, तुम लोग याद करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, तुम लोग सपोर्ट नहीं दिखा रहे हो। मैं इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तुम लोग सपोर्ट नहीं दिखाते हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुम लोग मुझे सपोर्ट करो यार। कम से कम 1K सब्सक्राइबर करा दो यार जल्दी से, मेरा अभी तक 1K सब्सक्राइबर नहीं हुआ है। तुम लोग सपोर्ट दिखाओ यार, 1K करवा दो। देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाइट एम के बारे में कि तुम लोगों को व्हाइट एम कब और कहाँ रखना है और व्हाइट एम का इस्तेमाल किस तरह से करना है। तो देखो व्हाइट एम को हमेशा तुम लोगों को कब यूज करना है, जब भी एनिमी तुम्हारे सबसे क्लोज में हो, जब भी तुम्हारा बंदा जो है एनिमी वो तुम्हारे क्लोज में, तब तुम्हें व्हाइट एम का यूज करना है। जैसे तुम लोग मान लो कस्टम खेलते हो तो उस टाइम तुम लोग बंदे का इंतजार तो नहीं करोगे कि भाई बंदा तुम्हारा सामने आके खड़ा हो जाएगा उसके बाद तुम हेड बैठा के उस पर मारोगे रेड एम करके, ऐसा नहीं होता ना भाई। जब तुम्हारा गेम प्ले होगा तब तुम्हें अंजादे फायर करना होगा, तुम्हें जो है स्पीड में फायर करना होगा। उस टाइम तुम्हें क्या करना है, एक अंजादा लगाना है कि बंदा किधर से आएगा। उस टाइम तुम्हें बंदे के एकदम वाइड एम करके, अगर लेफ्ट से आ रहा है तो या राइट से आ रहा है, किधर से बाहर स्ट्रेट सीधे आ रहा हो, तब तुम्हें जो है एकदम जमीन पर रख के वाइट एम, उसके पैरों के नीचे एक अंजादा लगा के जो है वाइट एम करके तुम्हें स्ट्रेट ड्रैग मार देना है, देखना तुम्हारा हेड लग जाएगा। और अगर मिस हो जाता है तो कोई बात नहीं, तुम लोगों को दोबारा ट्राई करना है, तब तुम्हारा हेडशॉट लग जाएगा। मैं तुम्हें एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ कि मैं किस तरह से करना है, ठीक है। तो तुम लोग यहाँ पर देखो, इस बंदे को मैंने किस तरह से वाइट एम करके हेडशॉट मारा है। अब तुम लोग समझ नहीं पाते, देखो स्लो मोशन में दिखाता हूँ मैं किस तरह से मारता हूँ। देखो ये बंदा मुझे दिखा, मैंने अपने एम को जो है पोजीशन पर ला के वाइट किया, जब तक देखो वाइट हो गया, जैसे मेरा पैर नीचे गया उसके बाद वो ड्रैग कर दे स्ट्रेट सीधा हेडशॉट। इसी तरह से तुम्हें करना है। अगर तुम लोग नहीं समझ पाते हो तो तुम लोग बार बार देखो, तुम लोग समझ जाओगे। सबसे पहले तुम लोगों को जो है अपना एम को वाइट करना है, ठीक है। बंदे को देख के तुम्हें अपना एम को जो है उसको लेफ्ट या राइट किधर भी हो या फिर पैरों के नीचे हो, अब क्लोज रेंज सीधा सीधी फाइट हो रहा है तो पैरों के नीचे सही होता है, ठीक है। लेकिन लेफ्ट राइट में तुम अगर लेफ्ट राइट की ओर भाग रहे हो तो लेफ्ट या राइट में तुम्हारा जो है एम होना चाहिए, वो भी थोड़ा नीचे ही होगा तो अच्छा होगा, इससे तुम्हारा हेडशॉट अच्छा लगेगा, ठीक है। इस चीज़ को तुम लोग ट्राई करना। और देखो मैंने जो तुम्हें बताया है ये तुम लोग जाकर डायरेक्ट अप्लाई मत करना गेम प्ले में, पहले जाके ट्रेनिंग मोड में जाना, वहाँ पे एक घंटा आधा घंटा ट्रेनिंग करना, उसके बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हें एम इस तरह से इस्तेमाल करना है वाइट एम का, ठीक है। और तुम्हें जब समझ जाओगे इस चीज़ को सीख जाओगे तो तुम्हारा हेडशॉट जो है नेक्स्ट लेवल का लगेगा, तुम लोग ट्राई करके देख लेना। अब चलो देख लेते हैं कि रेड एम का जो है इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। तो देखो रेड एम जो है दो तरीके से काम करता है, एक तो क्लोज रेंज में काम करता ही है और दूसरा है जो सबसे बेस्ट है लॉन्ग रेंज में काम करता है सही से। अब क्लोज रेंज में किसका काम करता है, देखो अगर तुम्हारा डिवाइस और सेंसिटिविटी हाई है, लाइक बहुत महंगा डिवाइस है या उसका सेंसिटिविटी बहुत स्मूथ चलता है, तुम्हारा मोबाइल जो बहुत स्मूथ चलता है, तो तुम अगर रेड एम करके क्लोज रेंज में मारते हो तो तुम्हारा हेड भी लग जाएगा। लेकिन वही अगर तुम्हारा लो डिवाइस है, तुम्हारे मोबाइल में DPI पे कुछ नहीं है, लो एमबी वाला डिवाइस है, तो तुम्हारा रेड एम पे जो है हेड नहीं लगेगा। क्लोज में तो नहीं लगेगा, लॉन्ग रेंज के लिए सही है, लेकिन क्लोज रेंज में अगर तुम हेड मारोगे तुम्हारा नहीं लगेगा। तुम बड़े बड़े प्लेयर को देखते होगे, MA10 RyStar इन लोगों का गेम प्ले अगर देखते हो तो देखना ध्यान से, अगर ये जो रेड एम करके भी मारते हैं तो इनका जो है स्टेट ड्रैग में ही हेड लग जाता है। लेकिन अगर वही तुम अगर स्टेट ड्रैग मारोगे रेड एम करके क्लोज रेंज में तो तुम्हारा हेड नहीं लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि डिवाइस मैटर करता है भाई। अगर बंदे कितने ही बोल दे कि डिवाइस मैटर नहीं करता, लेकिन बिल्कुल गलत है। अगर तुम्हारे पास आईफोन है और तुम्हारे पास एंड्रॉइड है, दोनों का गेम प्ले कंपैरिजन कर लेना, कितना ओपी लेवल का गेम प्ले होता है आईफोन से तुम लोग को क्या पता। मेरे एक फ्रेंड के पास आईफोन है भाई, उसका मोबाइल हल्का साइड में ड्रैग करता हूँ ना तो हेड कनेक्ट हो जाता है, वो भी iPhone 6X है शायद, बहुत अच्छा चलता है भाई गेम प्ले आईफोन में। इसीलिए तुम लोग
अब वाइट एम और रेड एम में कंफ्यूजन मत हो जाना मेरे वीडियो देख के कि भाई तुमने तो बोला था वाइट एम से क्लोजर एम मारना, लेकिन बंदे तो रेड एम करके मारते हैं यूट्यूबर लोग। तो भाई उनका डिवाइस भी देख लो, अगर तुम्हारे पास डिवाइस अच्छा है ना तो तुम भी रेड एम करके मार सकते हो क्लोज रेंज में। लेकिन अगर लॉन्ग रेंज की बात किया जाए तो यह लॉन्ग रेंज के लिए बेस्ट है, लो डिवाइस हो या हाई डिवाइस हो तुम्हारे पास, तुम्हें रेड एम करके हमेशा स्ट्रेट ड्रैग मारो। या बंदा जिधर जा रहा मेरा मतलब स्ट्रेट ड्रैग, अगर तुम्हारा बंदा सीधा आ रहा तो सीधा मारो, अगर तुम्हारे मिड रेंज में बंदा है तो रोटेशन ड्रैग ट्राई करना, ठीक है। रोटेशन ड्रैग ऑलवेज ट्राई रोटेशन ड्रैग, अगर तुम फाइट लेते हो क्लोज रेंज में अगर तुम्हारा फाइट होता है, रेड तुम्हारा वाइट हो जाता है, मान लो रेड नहीं कर पाते मतलब वाइट नहीं कर पाते हो, रेड हो जाता है, उस टाइम तुम जो है रोटेशन ड्रैग ट्राई करो। और अगर तुम्हें पता नहीं कि रोटेशन ड्रैग किस तरह से मारना है तो मैंने इस टॉपिक पर हैंड कैम प्लस वीडियो बनाया हुआ है, तुम लोग जाओ चैनल पर चेक कर लेना और वीडियो को पूरा देख लेना, तुम लोग सीख जाओगे कि तुम्हें स्ट्रेट ड्रैग रोटेशन ड्रैग में किस तरह से मारना है। इसमें टॉपिक में हैंड कैम भी मैंने बनाया है, तो तुम लोग जाके देख लेना वीडियो, उसके बाद इस वीडियो को पूरा आके कंप्लीट देखना, तुम लोग समझ जाओगे, ठीक है। तो देखो आज मैंने वाइट एम और रेड एम के बारे में वीडियो बना दिया है, लेकिन अगर तुम लोगों को नहीं समझ में आता है तो तुम लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं हैंड कैम वीडियो ला दूंगा, ठीक है। तो देखो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।